काही दिवसाआधी बांगलादेशमध्ये मुस्लिम समुदायाने हिंदू समाजावर हल्ले करत अत्याचार केले, हिंदू देवी देवतांची मंदिरे तोडली, तर काही लोकांचा यात दुर्दैवी मृत्यू झाला. याचे पडसाद संपूर्ण जगात आणि हिंदू समुदायामध्ये उमटू लागले. अनेक हिंदू संघटना तशी देशपातळीवर राज्य पातळीवर आंदोलनं देखील केली. केंद्र सरकारने बांगलादेशात हिंदू बांधवावर हल्ले करणाऱ्या संघटनेच्या विरोधात हवे तशी पाऊल न उचलल्याने देशात हिंदू समाजात आक्रोश निर्माण झाले असून याच घटनेचा निषेध नोंदवण्यासाठी गोंदिया सकल हिंदू संघटनेच्या वतीने 22 सप्टेंबरला जनाक्रोश रॅलीचे आयोजन करण्यात आले असून संपूर्ण गोंदिया जिल्ह्यातील हजारो हिंदू बांधवांनी या जनाक्रोश रॅलीमध्ये सहभाग घ्यावा असे आवाहन हिंदू संघटनांनी केले आहे. इसमें जो हमारी तैयारियां शुरू हुई थी जनाक्रोश रैली जो बांग्लादेश में जो घटना घटी है उसके विरोध में, और सिर्फ बांग्लादेश के हिंदू नहीं तो भारत देश के जहाँ जहाँ भी हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है उसके विरोध में भी ये रैली है. हमने गोंदिया के सर्व समाज जो अपने 72 समाज के जो अध्यक्ष है उनके साथ पहले बैठकर विचार विमर्श किए और उन्होंने तय किया कि भाई ऐसा एक विरोध प्रदर्शन जन आक्रोश रैली अपन ने निकालना चाहिए. तो इस सकल समाज का जो बैनर तले जो कार्य है तो समाज के सभी अध्यक्ष है समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों की उपस्थिति में ये कार्यक्रम तय हुआ है. इसलिए समाज कितने संख्या में आएगा कितनी तादाद में आएगा ये तो 22 तारीख को हम आप सब लोग अपने आँखों से देखेंगे. और ये घटना ये शहर में न घटे, हम बार बार हमारे लोग जो सद्भावना के ठेकेदार हैं वो बार बार हमको ऐसा बताते हैं कि हमारे शहर शांति प्रिय है, हमारे शहर में कुछ नहीं होता. तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि 4 दिन पहले आप देख सकते हो कि कैसे इसी शहर में फिलिस्तीन का झंडा लहराया गया. कौन है इसके पीछे, किस कहाँ से वो झंडा आया, किसकी मानसिकता है, वो क्या शहर में कराना चाहती है. इसलिए हिंदुओं को संगठित करने का कारण के लिए ही 22 तारीख को जन आक्रोश रैली है. इसमें तमाम लाखों की संख्या में हमारी माता बहनें बुजुर्ग बच्चे सभी लोग आने वाले हैं और हम किसी को दिखाने के लिए नहीं, हम अपने आप को संगठित करने के लिए हमारा कार्यक्रम है. यह हम समाज से प्रार्थना करेंगे हम उनसे कि भाई आप भी इस माध्यम से अगर आपको जैसे जैसे खबर लगती है वैसे वैसे आप लोग भी 22 तारीख को सुबह 10 बजे तहसील ऑफिस जयस्तंभ चौक के सामने आप लोग पहुँचे. मैं तो जानता हूँ कि गोंदिया शहर में इतनी ऐतिहासिक रैली कभी नहीं हुई और शायद जीवन में कभी होगी नहीं. आज पूरे शहर के हिंदू, पूरे ज़िले के हिंदू, पूरे तहसील के हिंदू एकत्रित होकर शासकीय इमारत के सामने यानी कि जयस्तंभ चौक के पास सब 22 तारीख को एकत्रित होंगे. आपने भी कभी जीवन में इतनी बड़ी विशाल रैली नहीं देखी होगी. मेरे को ऐसा लग रहा है कि रैली को चलने का मौका ही नहीं मिलेगा. रैली अपनी जगह खड़ी रहेंगी, पूरे रोड भरे हुए मिलेंगे.